वहीं शाजापुर जिले के शुजालपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में जिले भर से कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में संघ की प्रदेश महामंत्री गायत्री सैनी ने कहा कि उनकी कार्यकर्ता को सरकार किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही है। महिलाओं के अस्पताल में रुकने के लिए स्टाफ रूम की व्यवस्था होनी चाहिए और अगर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगी। सर, हमने हमारे मानदेय फिक्स हो, हमारा वेतन फिक्स हो, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी के लिए हम मीटिंग रख रहे हैं। सर, हमारा ज्ञापन तो हर रोज एक नया ज्ञापन देते ही जा रहे हैं हम, लेकिन कुछ आगे से कुछ हमारे साथ कोई खबर नहीं जुड़ रही और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ कुछ अच्छा कार्य हो। अशोकनगर में आयोजित हुई जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों अपनी अपनी समस्याएं और मांगों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान लोगों की समस्या के निवारण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस जनसुनवाई में मौजूद रहे। इस मौके पर अपर कलेक्टर AK चांदिल भी जनसुनवाई में पहुंचे और आम लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकालने का वादा भी किया गया। व्यापारी गौरव गुप्ता हत्याकांड को लेकर पौरसा में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोग पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों ने वहां पर जाम लगाया और परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस सही समय पर कार्यवाही करती तो गौरव